आई एम अहमदाबाद में जब आप एडमिशन लेने का सोचते हो, कैट परसेंटाइल के अलावा बहुत सारा चीज़ आई एम अहमदाबाद में है, तो वो चीज़ पहले आपको समझना होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है मैं वीडियो से बोलूँगा ऐसा नहीं है, आपको आई एम अहमदाबाद का साइट पे जाकर समझना पड़ेगा, खुद को समझना होगा। क्यों कैसे समझोगे वो चीज़, मैं उसका इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो खास करके मैं आपको बताता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ठोकिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों का बीच में, फैमिली मेम्बर के बीच में, फैमिली को समझाइए, क्योंकि फैमिली मेम्बर ही पहले आपको बोलेगा क्या अहमदाबाद में नहीं हुआ, ये चीज़ पहले ही बोलेगा। तो उसके ये चीज़ क्वेश्चन पूछने से पहले ही आप पहले सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ आपको लेना है, मतलब आपको करना है। तो आई एम अहमदाबाद साइट में जाइए, पीजीपी का देखिए। तो कैट 23 में इस बार नया कुछ होने वाला है, तो नया क्या क्या रहेगा। आई एम अहमदाबाद का भी ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं छोड़ता है, ठीक है ना, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स, पहले भी इसके बारे में वीडियो में बना चुका हूँ, तो फिर भी मैं आपको वार्निंग करने के लिए चीज़ बताता हूँ बार बार, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग को इतना बार बोलने से भी दिमाग से उड़ जाता है हर चीज़ को, क्योंकि इतना हर भरा में हो चला जाता है ना, वहाँ पर क्वांट DILR एंड BRC देखते देखते पूरा खत्म हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, आई एम अहमदाबाद इज़ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो दिमाग में घुसा हो, तो वहाँ पर जाकर देखोगे साइट में, AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC 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 के मतलब है A&C, ओके। सो AC का मतलब क्या होता है, AC मतलब है एकेडमिक कैटेगरी, ओके। आप जो भी चीज़ में ग्रेजुएशन किए हो सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग में किए हो, BSc किए हो, BA किए हो, BHMS किए हो, मेडिकल में किए हो, BCOM किए हो, BBA किए हो, तो हर चीज़ कैटेगरी का वहाँ पर कैटेगरिकल वर्जन में डाल चुका है वो, AC1 एकेडमिक कैटेगरी 1, AC2 एकेडमिक कैटेगरी 2, जितना से जितना आपको परसेंटेज मिला है उतना आपको मार्क्स दिया जाता है, ओके। मतलब क्या ना, 75 से 95 एक तो मार्क्स है, 65 से 75 है, 55 से 75 और एक तो है, तो ऐसा करके है। तो ये चीज़ दिमाग में घुसा हो। एंड 10th एंड 12th का भी सेम है, मार्क्स आपको ज़्यादा नहीं रहेगा, आपको वहाँ पर मुश्किल होगा वो चीज़। एंड देन इज कैट परसेंटाइल इज सेपरेट थिंग, उसका क्या है ना, जे 30% है कि 40% आपको स्कोर रहेगा, बाकी ये सब चीज़ रहता है। उसके बाद एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, ये तो जो है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। ये क्या होता है ना, एकेडमिक डाइवर्सिटी या जेंडर डाइवर्सिटी इज योर वेट इज योर कर्मा एंड योर डेस्टिनी इज योर हाइट, सो इट इज़ लाइक दैट, एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी वो चेंज नहीं कर सकते आप। कारण सडन जाके कैट देंगे बोल के मेरा एकेडमिक डाइवर्सिटी इंजीनियरिंग से मेरा आर्ट्स हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। सो दैट्स इज द थिंग, योर वेट इज योर कर्मो बट योर हाइट इज योर डेस्टिनी, सो दिस इज द थिंग, वन सेकेंड आई एम टेलिंग यू। एंड योर जॉब एक्स वर्क एक्स में क्या होगा, आपको 0 से 12 मंथ्स तक एक तो होता है, 1 साल का अंदर में एक तो बार देता है, 12 से 36 मंथ्स का अंदर में, 3 साल का अंदर में 0.2 into हाउ मच मंथ्स आप जो एक्सपीरियंस किए हो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा फैक्टर। एंड 36 मंथ्स से ज़्यादा होगा तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा, मतलब क्या ना, 36 का मतलब ज़्यादा, मतलब फुल ज़्यादा, तो हो सकता है कि जब 5 साल एक्सपीरियंस हो, सके 10 साल एक्सपीरियंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आई एम अहमदाबाद के इंटरव्यू में आपको पूछेगा 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, 5 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वाई 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 करके पूछेगा। बट इफ़ यू हैव ए सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस दैट यह मेरा करना है, हमको ऐसा करना है सर, कन्विंस अगर कर सकते हो, मतलब वही है, तो आपको वो वाला आई एम अहमदाबाद में आपको चांस मिल जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग, वन सेकेंड आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वेरी टफ टू गेट, बट वहाँ पर साइट में जाओ, जाकर देखो पूरा क्लियर है ये चीज़ एकदम, तो क्लियर है, लेकिन आम ना जब तक नहीं बोलोंगे तब तक तो आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज़ को। सो आप इतना हैवी चीज़ लिखा हुआ है, आप जाके देखोगे तो आपको नींद आ जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग, वन सेकेंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस।